फैशन तो ये भी हो गया है, आज नफरत फैशन बना दिया गया है, डर फैशन बना दिया गया है, थ्रेट करना फैशन बना दिया गया है। ऐसे दौर में लोगों का सड़कों पे आना और आप उनको डरा रहे हैं, आप उनको धमका रहे हैं। हमारे देश में तो हमारे प्रधानमंत्री भी एंटी मुस्लिम बातें कह रहे हैं, है ना। हम जानते हैं कि जितनी भी महापंचायत होती हैं वो हेट महापंचायत है, जिसमें अजरक मुनि कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो, यही है हिंदू धर्म। बीहेडेड बेबीज का झूठ बोला उनने, झूठ बोला। बाइडेन ने जाके बोला हमारे बीहेडेड बेबीज का क्या हुआ, जो अभी रफा में उनने बेबीज बीहेड किया उसके बारे में कौन बोलेगा। बाइडेन बोलो, मोदी बोलो, हमारे लोगों ने कश्मीर वाला मणिपुर। अमेरिका उन्हें एड भेजेगा, फिर इजराइल को और बॉम्ब भेजेगा। कौन सा अमेरिका, कौन सा अमेरिका? वो देश बना ही ब्लड पे है, खून पे है, अभी भी वो वही करता है। आत्मरक्षा के लिए बच्चों को नहीं मारा जाता, इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए। मोदी जी को वो कभी समझ नहीं आना। फिलिस्तीन में आजाद होगा और हम फिलिस्तीन के साथ है, बच्चों को नहीं मरना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और अभी हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। पिछले 8 महीने से इसराइल द्वारा जो फिलिस्तीन पे हमला किया जा रहा है, गाजा पे हमला किया जा रहा है, निर्दोष बच्चों की जो हत्याएं हो रही है उसको लेके आज डीयू के विद्यार्थियों ने यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है और हमारे साथ यहाँ कुछ विद्यार्थी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, आप लोगों की उम्र बहुत कम है और आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में आई हैं, तो क्या सोच है आप लोगों की? मेरे हिसाब से भारत जो देश है उन्होंने पैलेस्टाइन और जो भी देशों के साथ गलत हुआ है हमेशा से, अफ्रीका सबके साथ भी जब भी गलत हुआ है हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, एंड अभी भी समय है कि हम पैलेस्टिनियंस के साथ एक देश एकजुट होके खड़े रहे और इसराइल जो हमला कर रहा है उसको रुकवाएं किसी तरह से। इसराइल का कहना होता है कि जो हमास है, हमास संगठन ने जो पिछले साल अक्टूबर में हमला किया तो उसके वो भी उसके खिलाफ जो है लोग नहीं बोल रहे हैं, और जब हम अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आत्मरक्षा की वजह से 40,000 लोग से ऊपर मरे जाएंगे। भगत सिंह को भी टेररिस्ट बुलाते थे, भगत सिंह के भी लोग जो उस समय अंग्रेज थे तो उनको टेररिस्ट बुलाते थे। तो जो इसराइल है वो कहता है कि मैं अपनी आत्मरक्षा कर रहा हूँ और हमारे नागरिकों पे जो हमला किया गया उसके खिलाफ हम अपने आप को आत्मरक्षा में ये सारे कदम उठा रहे हैं ताकि हमास हम पे दोबारा हमला न करे। बच्चों को नहीं मारा जाता, आत्मरक्षा के लिए बच्चों को नहीं मारा जाता, ये साफ मैसेज आना चाहिए। और हम लोग भारत ने भी 1947 में आज़ादी पाई है, वैसे ही फिलिस्तीन में आज़ाद होगा और हम फिलिस्तीन के साथ हैं, बच्चों को नहीं मरने चाहिए। हम चलिए आपने तो एक और बात कही जाती है कि भारत में जब कोई संगठन जब समर्थन करता है फिलिस्तीन का तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है भारत सरकार के द्वारा या दक्षिण पंथी संगठनों के द्वारा, उस पर क्या कहना चाहिए? आजकल देश में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ बहुत मतलब ऐसा लग माहौल हो चुका है और मेरे को लगता है कि उसी की वजह से ये सब किया जा रहा है, बट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, वो उन लोगों के साथ एक सब लोगों के साथ हो रहा है, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ पर जूस भी हैं, उन सब के साथ साथ में हो रहा है। तो भारतवासियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये धर्म के ऊपर नहीं, ये उन लोगों के ऊपर एक ह्यूमैनिटी के ऊपर एक गलत चीज़ हो रही है और हम सबको एक साथ होना चाहिए। हम लोगों के अगेंस्ट भी ब्रिटिश ने इतना सब कुछ किया है और हमें उनको समझ के उनके साथ इस समय खड़े रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आप किस क्लास में हैं? आप मैं 12th में 12th में है और इतनी कम उम्र में आप जो है जब पढ़ाई की उम्र है तो आपने एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, तो आप इस बात को समझती हैं कि आप क्या कर रही हैं? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हिंदुस्तान देश की युवा, देश की युवा। तो आपको क्या लगता है कि इसराइल जो कर रहा है और हमास में जो ये मुद्दा है उसको उसका क्या मतलब आप देखती हैं? जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं इसराइल के द्वारा, बच्चों को मारा जा रहा है, हालांकि अब अमेरिका ने संधि वार्ता दिया है और दोनों पक्षों से अपील की है कि सीज फायर किया जाए। अमेरिका उन्हें एड भेजेगा, फिर इसराइल को और बॉम्ब भेजेगा। कौन सा अमेरिका, कौन सा अमेरिका? वो देश बना ही ब्लड पे है, खून पे है, अभी भी वो वही करता है। इस्लामोफोबिया के बारे में हम इधर बात कर रहे हैं, उधर जाके देखिए एयरपोर्ट पे चेक्स होते रहेंगे, किसी का मुसलमान नाम होगा वो उन्हें जाने नहीं देंगे। हमास, आप इजरायली
इजरायली IDF ऑफिसर जाके अमेरिका में रह सकता है, हमास का कोई मेंबर रह सकता है? सेम चीज नहीं की उनने? सेम चीज नहीं की है। बीहेडेड बेबीज का झूठ बोला उनने, झूठ बोला। बाइडेन ने जाके बोला हमारे बीहेडेड बेबीज का क्या हुआ? जो अभी रफा में उनने बेबीज बीहेड किया उसके बारे में कौन बोलेगा? बाइडेन बोलो, मोदी बोलो, कौन बोलेगा उनका? अच्छा, ये ऑल आइज ऑन राफा चल रहा है आजकल, इंस्टाग्राम पे भी चला है, लेकिन कुछ जो दक्षिणपंथी संगठन हैं तो उनका कहना है कि ऑल आइज ऑन POK, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, अभी ये भी थोड़ा चला था, बांग्लादेशी हिंदू, इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए ये सब बोलते हैं। पहले सुने बोले लोगों ने, पहले सुने लोगों ने हिंदू के बारे में बोला, अब क्यों बोल रहे हैं? यूक्रेन का इतना जब सब हुआ था, जब सब यूक्रेन के साथ खड़े हुए थे तब इनको हिंदुओं की याद नहीं आई, अब जब क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं तब उन्हें लग रहा है कि नहीं हिंदुओं की भी आवाज़ पहुँचे। हम उनके साथ खड़े हैं, हम अगर जिन हिंदुओं के साथ गलत हो रहे हैं हम उन सबके साथ भी ऑफकोर्स खड़े हैं, हम खुद हिंदू हैं। इंसानियत की बात है, ह्यूमैनिटी, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं आना चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, ह्यूमैनिटी के लिए। हाँ, मोदी जी को वो कभी समझ नहीं आना, मोदी जी को समझ में नहीं आना। चलिए, आप सभी लोगों ने हम लोग से बात की, अच्छा लगा, और कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि हम यहाँ कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन में आई हैं, तो इसराइल का कहना होता है कि 7 अक्टूबर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, क्या कहेंगे आप? 7 अक्टूबर के बारे में, उन पर हमला हुआ था पिछले साल, उस हमले की हम लोग बात कर रहे हैं, बट उससे पहले 1948 से जितना ऑक्यूपेशन चल रहा है उनकी वो लोग बात कर रहे हैं, यही कहना है मेरा। द ऑक्यूपेशन हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 75 ईयर्स, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट 7th October, दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन। मैम प्लीज़ थोड़ा हिंदी में, एक्चुअली हमारे व्यूअर्स हिंदी के हैं इसलिए हमने कहा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, ये ऑक्यूपेशन 75 सालों से चल रहा है एंड इससे हम लोगों को पहले डील करना है। 7 अक्टूबर को जो हुआ था वो एक चीज़ हुई थी, एंड जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इसको अब सही में इसके विरुद्ध रहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ़ ये जो विरोध हो रहा है बहुत टाइम से हो रहा है। इनका लैंड ले लिया है, इनका पानी ले लिया, इनका सब ले लिया, उनको अब हटा रहे हैं उस जगह से। तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, फिर 7 अक्टूबर के बारे में भी बात हो सकती है। ओके ओके, अच्छा एक क्वेश्चन है, कई बार कुछ संगठन ये कहते हैं कि जो युवा है वो एज ए फैशनेबल फैशन में आके वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनका कि इस मुद्दे से कोई खास लेना देना नहीं होता है, उनकी पढ़ाई करने की उम्र है, लेकिन एज ए फैशन में बस वो आते हैं अपना एक विरोध प्रदर्शन करने, क्या कहेंगे आप? आप अपना सवाल। मैंने कहा कि जो संगठन है, कुछ जो दक्षिणपंथी संगठन है उनका कहना है कि जो युवा हैं एक विरोध करना उनका एक फैशन बन गया है, तो इसीलिए वो किसी बात पे आके विरोध करने लगते हैं ऐसी चीज़ों का, उनका इससे कोई नाता वाता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत फेमस ट्वीट है कि क्रिटिसिज्म और अपोजिशन डेमोक्रेसी को एनरिच करता है। अब उन्हीं प्रधानमंत्री का अगर आप लगातार जो इलेक्शन शुरू होने के बाद अगर आप उनके बयान देखें, तो पहली बात तो पूरी तरह से एंटी मुस्लिम है, एंटी विमेन है, मंगलसूत्र को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं वो चुनाव जीतने के लिए। और हम देख रहे हैं कि इसके पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा रिलीज होता है तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली उसका जो शैम है किस तरह से पुटअप किया जाता है, लेकिन असल में आप किस तरह से मैन्यूपुलेट कर रहे हैं, है ना, कि जो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं उसके लिए ED CBI से आप उसको वो कर रहे हैं। इसका सेम मैनिफेस्टेशन यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि RSS के जो रिप्लेसमेंट्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं उसके थ्रू। तो 7 अक्टूबर का जब मामला होता है उसके बाद एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर होता है, ब्रूटली डिटेन करके हम लोग को तुगलकाबाद ले जाता है और डिटेन रखा जाता है सनसेट होने तक, सनसेट के बाद तक भी यहाँ तक। तो आप ये बताइए फैशनेबल इसमें क्या है? अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट से पूछेंगे दे आर सो स्केयर्ड, सो मेनी पीपल ब्रॉट यू नो दे डिडंट ब्रिंग दे वर सो स्केयर्ड, मतलब उनको लग रहा था कि आज भी शायद उसी तरह का एक फेट उनको मीट करना पड़ेगा। हमारी जो फीमेल रेसलर्स है वो भी जंतर मंतर पे आ रही है, तो उनको किस तरह से ब्रूटली डिटेन किया गया। तो प्रोटेस्ट या जो कहते हैं आप जो बात कह रहे हो, जो राइट विंग भी कहते हैं वो यही बात कह रहे हैं कि आंदोलन जी भी हैं लोग, इनके लिए फैशनेबल है, लेकिन ये दरअसल सरासर एक शैम है।
ये एकदम एंटी डेमोक्रेटिक बात है। और फैशन क्या होता है? फैशन तो ये भी हो गया है आज, नफरत फैशन बना दिया गया है, डर फैशन बना दिया गया है, थ्रेट करना फैशन बना दिया गया है। ऐसे दौर में लोगों का सड़कों पे आना और आप उनको डरा रहे हैं, आप उनको धमका रहे हैं, तो ये तो पूरी झूठ झूठ बात है। और एक डेमोक्रेसी के लिए, आई बिलीव उस ट्वीट में जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए डिसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और आज जब पूरे देश में एक राइट विंग का आभार हम देख रहे हैं, किस तरह से अमेरिकन इंपीरियलिज्म के साथ गांठ के साथ इसराइल जो पैलेस्टीन में कर रहा है, वो लिटमस टेस्ट है इंसानियत का, अगर आप उसके खिलाफ नहीं खड़े हैं। इंडिया, इंडियन स्टेट का हमेशा स्टैंड प्रो पैलेस्टीन रहा है। शेम ऑन मोदी गवर्नमेंट कि वो वेपन्स भेज रहे हैं, वो हमारे तो बेरोजगारी देश में पैदा करके हमारे मजदूरों को इसराइल भेज रहे हैं, वॉर जोन में भेज रहे हैं। तो ये तो कुछ मुद्दे हैं ही जो हमें लगता है कि एकदम टर्मिनेट करें आप अपने अग्रीमेंट्स, डिफेंस, मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सारे। सोशल साइट्स पे चल रहा है ऑल आइज ऑन राफा, तो इंडिया में कुछ चला कि ऑल आइज ऑन पीओके, ऑल आइज इन बांग्लादेशी, इन हिंदू, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माइनॉरिटीज पर हमला कहीं पर भी गलत है और उसके खिलाफ बिल्कुल संघर्ष होना चाहिए। हमारे देश में तो हमारे प्रधानमंत्री भी एंटी मुस्लिम बातें कह रहे हैं, है ना। हम जानते हैं कि जो जितनी भी महापंचायत होती हैं वो हेट महापंचायत है, जिसमें अजरंग मुनि कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करो, यही है हिंदू धर्म, भगवान को वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान में भी है, तमाम वहाँ पर आप देखिए, अहमदिया मुस्लिम, हज़ारा मुस्लिम, आज जो अफगानिस्तान में, तमाम अलग अलग जगह पर राइट विंग का उभार है। और हर जगह माइनॉरिटीज़ के साथ जो वो है वो एक एंगल, आप हिंदू मुस्लिम के कैटेगरीज में देखने के बजाय ये देखना बहुत जरूरी है कि जो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, जो नफरत गर्द की राजनीति कर रही हैं, इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा उन सरकारों को होता है, जनता को होता नहीं। तो ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, है ना, कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ खड़े होना और पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े होना कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। जो लोग ये कंट्राडिक्शन बना रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी अपनी पॉलिटिक्स क्वेश्चन करना चाहिए, उनका एक्चुअली गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स बोलने की, मुझे बहुत साफ बात है, जनता जहाँ खड़ी है जनता भी बता दे कि आपका गोल क्या है। नेहरू सरकार से लेके आज तक में फिलिस्तीन को लेके काफ़ी नीतियों में परिवर्तन आ गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अभी आपको बताया कि इंडियन स्टेट हमेशा से प्रो पैलेस्टाइन रहा है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को हम देख रहे हैं कि बोल्सोनारो को ये रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बना देते हैं, तो बहुत पसंद करते हैं फासिस्टों को, हिटलर से इनका इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं, और आज जहाँ पे भी फासिस्ट हैं उनको इनकी लॉबी, संघ परिवार सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात है, चेंज हुआ है, जो कि बहुत शेमफुल है। एक ऐसा देश जो एक्चुअली कॉलोनियलिज्म से लड़ा है, जिसका इंडिया एज एन आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही करती है फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से, तो उस भारत का आप नाम ले रहे, लेकिन उस भारत की जो लीगेसी, जो विरासत है, उसको आप कायम नहीं रख रहे हैं, तो भारत की जनता आज आपके खिलाफ खड़ी है। धन्यवाद आपने हमसे बात की। तो हमने यहाँ जो लोगों से बात की, यहाँ जो युवा आए हुए हैं, तो उन्होंने लगातार कहा कि ह्यूमिनिटी के आधार पर हमारा आंदोलन चल रहा है, हम किसी भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम में नहीं अटकने वाले हैं। और जो कुछ लोग इस तरह से दक्षिणपंथी संगठन चला रहे हैं कि ऑल आइज ऑन इन हिंदू, इन पीओके और बांग्लादेश, तो ये वो बात करने का समय नहीं है, वो सालों भर आप बात कर सकते हैं। और इस तरह से उनका कहना है कि जो अमेरिका है और भारत सरकार जो नीतियाँ हैं, वो लगातार इसराइल से उनको बैक करना चाहिए, इसराइल को इस बात को मनाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमले रोके। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, जनहित आवाज, धन्यवाद।